टू माई न्यू ब्लॉग, दिस इज़ एडी। आज हम जा रहे हैं संडे राइड करने। शाम को 6 बज चुके हैं। वैसे ही मूड बन गया शाम का, क्योंकि यार संडे राइड के लिए कोई लड़के यहाँ पे है नहीं, पराड़ा में तो है, बट अगर कोई भी लड़का संडे राइड ज्वाइन करना चाहता है, रेगुलर संडे राइड्स करते रहते हैं, सो मुझे DM करना इंस्टाग्राम पे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो अभी निकलते हैं, एक फ्रेंड मिलेगा पोंटा, पोंटा की थोड़ी सी लोकेशन दिखाते हैं, संडे मार्केट होगी खाली तो पता लग जाएगा। सो फटाफट मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉगिंग पे, इन्जॉय करो। हाँ जी गाइस, निकल गए हैं आज घर से मोटो ब्लॉगिंग, बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ आज मैं। सो अभी लुक के थोड़ा सा सेटअप भी चेक कर लेंगे। आदि इधर से ही निकल रहे हैं। एक्चुअली ये वाला रोड डलने लग रहा है, डाल रहे हैं रोड, पता नहीं कैसे भाई सरकार को दिख गया कि रोड डालना है। सो अभी रोड उधर वाला डल रहा है, तो इधर वाले रोड से आज निकल रहे हैं भाई। इधरली साइड लोकेशन इतनी अच्छी है ना, मतलब यहाँ पे ना गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। और आज संडे राइड का प्लान यार वैसे था नहीं, मेरा एक यार दोस्त है वो कहता मिलना है, मन गया चलो मिल लेते हैं, बहुत टाइम से यार मैं अभी बराड़ा में ही रह रहा था तो मिल नहीं पाए। सो आज जा रहे हैं उससे मिलने, यार दोस्त वो ITI में था यार। सो अभी यार मिल लेते हैं, काफ़ी दिन से यारी दोस्ती भी जरूरी है, मिल जुलना चाहिए। भाई भी अभी बस कंपनी से आए थे तो कहते चलो आ जाओ, मन गया चलो आ जाते हैं। तो अभी निकल रहे हैं उसको मिलने, उसको मिलते हैं फिर आते हैं घर वापस, और कल का देखते हैं कोई प्लान। यार फोटोशूट का प्लान बन रहा है मेरा, फोटोशूट करवाना है मैंने, सो कल करवाएंगे फोटोशूट। बढ़िया बढ़िया फोटो मिलेंगी आपको इंस्टाग्राम पे, सो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की ID मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छी अच्छी रील्स मिलती हैं इस बाइक पे, जिसको भी ये वाली बाइक पसंद है तो जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स फोटोज़ सब चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ मैं। सो अभी चलो फटाफट चलते हैं, भाई वेट कर रहे हैं, मेरा पोंटा पहुँच चुके हैं, बस मैं थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, सो चलते हैं फटाफट। भाई अभी ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ऐसे ऐसे लोग हैं ना आगे ना बिल्कुल ही ओवर पास करते हैं, मतलब पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब अभी उड़ के जाएंगे क्या यार, नॉनसेंस पर्सन पे हैं जो पता नहीं करना क्या चाहते हैं। ओहो, आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा पर सनसेट होने वाला है भाई, बढ़िया लोकेशन। इस टाइम निकलने का फ़ायदा है, मतलब गर्मियों में निकलने का फ़ायदा ये इस टाइम है, जब सनसेट हो रहा हो ना, ठंडा सा मौसम होता है बिल्कुल, बढ़िया मज़ा आता है भाई मोटो ब्लॉगिंग करने में। अभी आगे जाके फिर आपको पोंटा साहिब भी मिलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि भाई आ रहे हैं, फिर भाई हो जाएंगे लेट, तो आगे जाके डायरेक्ट मिलते हैं पोंटा साहिब। बाकी गाइस बाइक कोई भी परफॉर्मेंस कोई चक्कर नहीं आ रहा है, सर्विस के बाद बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे लड़के यार मुझे वैसे कोलैब के लिए भी बोलते हैं कि कोलैब कर लो हमारे साथ, बट यार मैं खुद सोचता हूँ कि मैं इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कोलैब करूँ कुछ अच्छा यार, क्योंकि अभी मैं खुद ही यार 700 सब्सक्राइबर है मेरे, क्योंकि मैं मेरा मानना है कि जो भी करो खुद के दम पे करो, सिंपल सी बात है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं फेक भिजवा दूँ या कुछ कर दूँ, ऐसा भी नहीं है, पैसे की भी कोई बात नहीं है, ठीक है, बट यार जो अपने दिल से जो अपनी मेहनत से करेंगे ना, अगर वो 700 सब्सक्राइबर भी हैं तो मुझे पता है कि अगर मैंने 100 भी अपने फैमिली वाले यार दोस्त करवा दिए होंगे तो 600 तो मेरे यार ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पसंद किया है, खुद पसंद किया है कुछ मेरे अंदर टैलेंट देख के, मेरी वीडियोज़ देख के। सो मैं वो चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। पहुँच गए पोंटा साहिब, अभी जा रहे हैं, जो पोंटा साहिब से उनको पता है कि जो बैक साइड में लोकेशन आती है गुरुद्वारा के बैक साइड में, वहाँ पे जा रहे हैं। सो बाकी कोई नहीं है यहाँ से, जो पोंटा साहिब में कभी भी आप आओ तो गुरुद्वारे के बैक साइड में जहाँ पे नदी बहती है वहाँ पर, मतलब लोकेशन है एक अच्छी बैठने की, मतलब टाइम स्पेंड करने की, शाम के टाइम बड़ा अच्छी लोकेशन आती है यहाँ पे। सो अभी वहीं पे जा रहे हैं, यहाँ संडे के दिन बहुत लोग आते हैं भाई, आज भी शायद यहाँ पर रश हो सकता है, आई थिंक सो, बट ये वाली पार्किंग बन रही है भाई यहाँ पे, ये परली साइड यहाँ से उत्तराखंड दिखता है, सारा उत्तराखंड है यहाँ से। सो अभी चल रहे हैं नीचे, फ्रेंड मेरा शायद आ चुका है क्योंकि उसका घर तो पोंटा से ही है, सो वो तो पहुँच चुका है, बन रहा है देखो यमुना वन विभाग, ये देखो सारा बिहार, सॉरी सारी लोकेशन इतनी प्यारी बनाई हुई है ना भाई यहाँ से, मतलब कि अभी देखना जब आप नीचे जाओगे। ओहो बड़ा रश है भाई साहब, बड़ा रश है, रश ही रश है, क्या बात है। दुकान नहीं खोली शंकी भाई, क्या हाल है जी? खोली थी वीरेंद्र तो वहीं था, भी आया वो तो। भाई संडे राइड पे आए थे, देखना क्या चीज बनाई है, अब मेरे तो समझ के बाहर है भी है क्या चीज़ है, रॉयल एनफील्ड का तो टैग है, बाकी है देवेंद्र भाई, बाकी भाई ये खड़े हैं लोकेशन में, इतनी बढ़िया लोकेशन है ना यहाँ पे, अभी यहीं पे खड़े हैं, बट यार ये नहीं समझ आ रही क्या चीज़ है ये, बाकी देखने को तो बवाल मिला भाई आज कुछ भी है ना, बनाई तो चीज़ ठीक है वैसे, पर इंडिया का मॉडिफिकेशन ऐसे ही हुआ। लो जी लो दलजीत भी आ गया भाई, क्या हाल है जनाब?
ठीक है। कहाँ था तू? कहीं नहीं, ये है क्या स्कूटी वाली? गुरुद्वारे का बैकग्राउंड, ये सामने मंदिर है, पूजा चल रही भाई। आज रश इतना ज्यादा है ना यहाँ पे, देखना। मैंने सोचा था हम दोनों आएंगे भाई, बैठ जाएंगे यहाँ, बाकी बेल पूरी खाते हैं यार। अब गाइस कैसे हो आप सब? एक्चुअली वहाँ पे बैठे बैठे यार टाइम ज़्यादा हो गया, हम आपस में यार दोस्त मौज मस्ती बातें करते रहे। सो यार बट ये है कि यार थोड़ी सी सैड न्यूज़ होगी, संडे मेरा बिल्कुल ही स्पॉयल हो गया। गए तो थे अच्छा सा मूड करने, चलो भी यार थोड़ा चिल करेंगे, बट ऐसी सिद्धू मूसे वाली जो खबर मैंने सुनी ना, सीरियसली भाई मेरा ना ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा, मेरा ना मूड बिल्कुल ही ख़राब हो गया। सो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं यार, कंटिन्यू करा नहीं, बट चलो जो भी बनाया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट यही है कि यार वो सिद्धू मूसे वाले के आज किसी ने गोली मार दी, बताओ यार। कोई बंदा ना स्ट्रगल करके यार लाइफ में आगे बढ़ता है, लोग ऐसी हेट करते हैं यार, बताओ। अपने माँ बाप का कल्ला लड़का हो, ठीक है, अपनी मेहनत से बना यार कुछ भी करा, अपने उससे करा, अपने पैसे से करा, सब कुछ अपने वगैरह। बट लोग ना, लोग साले मतलब किसी को देख के जरते नहीं है कि हाँ कोई बंदा कुछ कर ले लाइफ में, कुछ बन जाए। नहीं, लोगों को बस ये है कि कैसे इसको डाउन कर दें, कैसे इसको कर दें। हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी ऐसा है, बट ये यार पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। मतलब कि किसी बच्चे को अपनी माँ से दूर कर देना, क्या मिला यार? ठीक है, गोली मार दी, क्या हो गया? कुछ पा लिया गया? कुछ भी नहीं। बाकी गाइस जा रहे हैं खेतों वाले रास्ते से ही, उधर वाला रोड यार हमारे वाला डाल रहे हैं, अभी न्यू डल रहा है रोड, सो इसलिए इधर से ही जाना पड़ेगा। बट यार मैं वही बात करना चाहता हूँ, हेट मत करो यार कुछ, यार मेहनत कर रहे हैं। अब मैं हूँ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, कल को मैं कुछ अच्छा कुछ करूँगा, लोग मुझसे हेट करेंगे, कल कोई यार मुझसे कोई खुंदक निकाल दे, कोई बात है क्या यार? है ना, तुम यार अपने परिवार में खुश रहो, किसी को रहने दो। सो थोड़ा सा मूड यार स्पॉइल हो गया। चलो बाबा जी शांति दें, वाहेगुरु उनको अपने चरण दें, चरणों में अपनी जगह दें। यार मैं मतलब बहुत बड़ा फ़ैन था सिद्धू मूसे वाले का, अभी चलो यार जो भी अब रब को मंजूर है, ठीक है, वाहेगुरु जी। बाकी यार हमारे इंडिया में ऐसा है ना कि कोई हमारे देश का नाम, मतलब अपने इंडिया का नाम रोशन कर रहा है ना, तो सारे इंडिया वाले चिढ़ जाते हैं, इंडिया वाले उसको मारते हैं, अपनी पैरों में कुवाड़ी मारते हैं। ऐसा बुरा हाल है अपने इंडिया के अंदर। बाकी चलो जो भी हो गया। बाकी गाइस ब्लॉग आज इतना ही था, मैं घर पहुंच गया हूं। एक अच्छा सा ब्लॉग, मैं मानता हूं कि आज ब्लॉग थोड़ा अच्छा नहीं होगा, बट चलो इससे अच्छा कोई ब्लॉग लेके आऊँगा। थोड़ा सैड ब्लॉग है ये वाला, बाद में सैड हो गया, बट चलो मैं कोई अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगा फॉर श्योर। तो मिलते हैं आज किसी ऐसे ही नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ अपने पोंटा वाले मुझे सपोर्ट दिखाओ। जो भी मोटर ब्लॉगिंग करना चाहता है या फिर कोई राइड मारना चाहता है संडे राइड मेरे साथ, तो प्लीज़ मुझे DM करना इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, टाटा। आ जाओ नोनू, हेलो। चलो जी।